जींस एक ऐसा फैशन स्टेटमेंट है जो सालों से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ, 200 साल से भी पुराना इतिहास है जींस का। एक और इसके स्टाइल में थोड़ा बहुत अंतर अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ की जींस देसी ही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। अगर आपने कभी कपड़े की रंगाई होती देखी है तो आप जानते होंगे कि डाई को गर्म पानी या किसी और तकनीक से हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल कर कपड़े पर इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि अधिकतर डाई हाई तापमान के साथ ही अपना काम करते हैं। ऐसे में जींस को जितनी बार धोया जाता है थोड़ा थोड़ा डाई निकलता है और जींस का कपड़ा अपने आप सॉफ्ट होता चला जाता है, क्योंकि केमिकल डाई के मुकाबले इंडिगो डाई सस्ता होता था, इसलिए इसे और भी किफ़ायती समझा जाने लगा। जींस को शुरुआत में अमेरिका के मजदूरों के लिए बनाया गया था। पहली जींस नीले रंग में बनाई गई थी। शुरू में जींस मजदूरों और मेहनती लोगों द्वारा पहनी जाती थी। इनके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। कपड़े गंदे होने पर भी गंदे ना दिखे इसलिए इनका रंग नीला रखा गया। अब भी जींस को रंगने के लिए ऐसा ही प्रोसेस इस्तेमाल होता है और जींस को फैशन स्टेटमेंट माना जाने लगा। ब्लू जींस और उसके अलग अलग शेड्स अब भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं और मार्केट में आपको इसके अलग अलग वेरियंट्स क्वालिटी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।